ବର୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ମନ୍ଦିରରୁ ମିଳେ ସଙ୍କେତ। ମନ୍ଦିର ପଥରରୁ ପଡ଼େ ଟୋପା ଟୋପା ପାଣି। ମନ୍ଦିର କହେ ମୌସୁମୀ ଭବିଷ୍ୟ। ଦିନକୁ ଦିନ ଖରାର ପ୍ରକୋପ ବଢି ବଢି ଚାଲିଛି, ଆଉ ତାତିରୁ ତ୍ରାହି ପାଇବା ପାଇଁ ଲୋକେ ମୌସୁମୀକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଲଗାତାର ଅନୁମାନ କରି ପାଣିପାଗର ହାଲଚାଲ ଜଣାନ୍ତି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ କାନପୁରରେ ଏମିତି ଏକ ଗାଁ ରହିଛି ଯେଉଁଠି ଲୋକେ ପାଣିପାଗ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ପାଇଁ କୌଣସି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ନୁହେଁ, ବରଂ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ମୌସୁମୀକୁ ନେଇ ମନ୍ଦିରରୁ ହୁଏ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ। ଏହା ଶୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲେ ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ। ଏ ହେଉଛି କାନପୁରର ବେହେଟା ଗାଁର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର। ଏ ମନ୍ଦିରର ମାନ୍ୟତା ରହିଛି ଯେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଥିବା ପଥର ବର୍ଷା ଏବଂ ମୌସୁମୀକୁ ନେଇ ସଠିକ୍ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କରେ। ସେଥିପାଇଁ ଏ ମନ୍ଦିରର ନାଁ ମୌସୁମୀ ମନ୍ଦିର ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା। ये मंदिर विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। आज इसकी चर्चा, मानसून पत्थर की चर्चा आज विश्व में चल रही, और इतनी सटीक भविष्यवाणी करता है कि आज भी अच्छे अच्छे वैज्ञानिक भी आश्चर्य मानते हैं। जैसे ही मानसून बनता है वैसे ही पत्थर पसीज के टपकने लगता है। आप लोगों ने पहले अखबार में पढ़ा होगा कि मानसून केरल में प्रवेश करने वाला है, और उस समय ये मंदिर टपक रहा था। अब इससे मालूम होता है कि जैसे ही समुद्र में मानसून बनता है वैसे ही पत्थर ही पसीजना शुरू कर देता है। अब ये देखेंगे मान इस पत्थर की मैग्नेटिक शक्ति कितनी है कि यहाँ से समुद्र कितनी दूर है, और जैसे समुद्र में मानसून बनता है वैसे ही पत्थर क्रिया करना शुरू कर देता है, और इतनी सटीक भविष्यवाणी करता है कि इस आज आश्चर्य का विषय बना हुआ है कि जिस प्रकार की बरसात होगी उसी प्रकार से इसमें बूंदें आती हैं। ये एक अपने में आश्चर्य लिए हुए मानसून मंदिर के संकेत आए ठीक हैं। इसमें कारण ये होता है कि जैसे इसका नियम ये होता है कि जैसे शुरू से बूंदें पूरे पत्थर पे बूंदें आ जाती हैं तो शुरू से भी अच्छी बरसात होती। यदि इसके शुरू से पूरे पत्थर पे बूंदें नहीं आती हैं और किनारे किनारे बूंदें आती हैं फिर पूरे पत्थर पे बूंदें आती हैं तो इससे मालूम होता है कि बरसात कुछ लेट होगी। अच्छा, इसमें जितनी ही पत्थर में ज़्यादा बूंदें होंगी उतनी ही ज़्यादा, इसका एक मूल सिद्धांत ये कि जितने ज़्यादा बूंदें होंगी उतनी ही ज़्यादा बरसात होगी। तो बरसात इस बार ठीक है, और जो है अब जब इसमें बरसात बिल्कुल नज़दीक आ जाती है बिल्कुल, तो ये पत्थर सूख जाता है, सूखने लगता है। तो अब इसमें पहले पूरे पत्थर पे बूंदें हुई थी, अब ये बूंदें सूख रही थी, इसके मतलब बरसात बिल्कुल नज़दीक आ गई। बेहटा एवं यहाँ आखो पाखो गाँव लोकमानकर दाबी रही ଏହି 4000 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିରରୁ ବର୍ଷ ସାରା କିପରି ବର୍ଷା ହେବ ତାହାର ସଙ୍କେତ ମିଳିଥାଏ, ଏବଂ ଏ ସଙ୍କେତ ବା ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ ହୁଏ। ଏଥିପାଇଁ ଏ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଲୋକଙ୍କର ବହୁତ ଆସ୍ଥା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ବି ରହିଛି। କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ମୌସୁମୀ ଆସିବାର 7-8 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମନ୍ଦିରରେ ଥିବା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଉପରେ ଥିବା ପଥର କାନ୍ଥରେ ବୁନ୍ଦା ବୁନ୍ଦା ହୋଇ ପାଣି ପଡ଼େ। ଯଦି ପଥର କେବଳ ଝାଳେଇବା ପରି ଦିଶେ ତେବେ କମ୍ ବର୍ଷା ହେବ, ଏବଂ ଯଦି ପଥରରେ ପାଣି ଜମା ହୋଇ ବୁନ୍ଦା ବୁନ୍ଦା ହୋଇ ଦିଶେ ତେବେ ସାମାନ୍ୟ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବ, ଓ ଯଦି ପଥରରୁ ବୁନ୍ଦା ବୁନ୍ଦା ହୋଇ ପାଣି ଝରେ ତେବେ ଏହାର ଅର୍ଥ ଭଲ ବର୍ଷା ହେବ। ଏ ଜଳ ବୁନ୍ଦାର ଆକାରରୁ ମଧ୍ୟ କେତେ ପରିମାଣର ବର୍ଷା ହେବ ତାହାର ଅନୁମାନ କରାଯାଇପାରେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଡିଜିଟାଲ।